हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फैमिली फोल्डर को कैसे फिल करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेम ऑफ एरिया, मतलब एरिया का आपको नाम लिखना है जहाँ पे ये आप फैमिली फोल्डर फिल कर रहे हो। नेम ऑफ द हेल्थ सेंटर, आपको हेल्थ सेंटर का नाम लिखना है। नेम ऑफ हेड ऑफ फैमिली, मतलब जो पर्सन आया आपके पास डिजीज कंडीशन लेके, उसका मतलब फैमिली का हेड कौन है। टाइप ऑफ फैमिली, सिंगल है कि ज्वाइंट है। रिलीजन क्या है, हिंदू है कि मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या एनी अदर। हाउस कंडीशन आपको देखनी है, जैसे टाइप ऑफ हाउस, हाउस लिखना है पक्का है कि सेमी पक्का है, कच्चा है। रूम वेंटिलेशन कैसा है, लाइटिंग कैसी है, ऑक्यूपेंसी क्या है, वाटर सप्लाई कैसी है, टैप हैंड पंप है या बेल है या ओपन टैंक है। किचन कैसा है, सेपरेट है कि रूम के कॉर्नर पे है, बरंदा में है। तो आपको वैसे मतलब जिस जो उसकी कंडीशन होगी आपको उसी पे टिक करना है। ड्रेनेज कैसा है, एक एडिक्वेट है, इनएडिक्वेट है, नो ड्रेनेज। नेक्स्ट है बैक्टरी, मतलब वो लैट्रिन कौन सी यूज़ करता है, ऑन उसकी खुद की है, पब्लिक है, ओपन एयर, डिफिकेशन है। इसके बाद में आपका आएगा फैमिली कंपोजिशन, ठीक है। फैमिली कंपोजिशन में उस पेशेंट के हमें जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको सारे नेम यहाँ पे लिखने हैं, आपको सीरियल नंबर नेम लिखना है, और रिलेशनशिप क्या है उस पेशेंट का उस फैमिली मेंबर से क्या रिलेशनशिप है, और आपको एज लिखनी है, सेक्स लिखना है, एजुकेशन लिखना है, एक्यूपेशन लिखना है हर एक फैमिली मेंबर्स का। नेक्स्ट हम देखेंगे टोटल इनकम ऑफ फैमिली, आपको टोटल इनकम ऑफ फैमिली लिखना है कितना है। एजुकेशन स्टेटस लिखना है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मीडिया, कि वो पर्सन उसका कम्युनिकेशन मीडिया क्या है और ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब मीडिया है, वो मतलब प्राइवेट बस यूज़ करता है, ट्रेन से आता जाता है, या कम्युनिकेशन कैसे करता है, टेलीविज़न से या रेडियो से। लैंग्वेज कौन सी यूज़ करता है, हिंदी यूज़ करता है। अगर उसको कोई और भी लैंग्वेज आती है वो आपको यहाँ पे लिखनी है, जैसे हिंदी यूज़ करता है तो इंग्लिश भी आती है उसको, तो इंग्लिश भी मेंशन करेंगे। डाइटरी पैटर्न उसका देखेंगे, वो क्या क्या चीज़ें लेता है, मतलब वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, जो भी चीज़ें वो मतलब डाइट में फॉलो करता है उसको आपको यहाँ पर टिक करना है। जैसे यहाँ पर मीट फिश, जो मैंने पेशेंट लिया वो मीट फिश एक नहीं खाता है, तो मैंने यहाँ पर उसको टिक नहीं किया है। ट्रेडिशनल कैसा है, मतलब खाने का उसका तरीका कैसा है, थाली स्टाइल ईटिंग, और जो फूड प्रिपरेशन है वो स्टोरेज करके रखता है तो आपको लिखना है प्रॉपर स्टोरेज। हाइजीन कैसा है उस पर्सन का, तो बेल हाइजीनिक। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, मतलब कि जो उसका इनकम है वो उसका मतलब कितना परसेंट उसका फूड में जाता है, क्लोथिंग में जाता है, मेडिसिन में जाता है, और कितने परसेंट वो अपना उस चीज़ में दे देता है। जैसे कि फूड में उसका 70% इनकम चला जाता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है अकॉर्डिंग टू इनकम उसके। इफ़ देयर एनी केस ऑफ फीवर, अगर उसको किसी भी टाइप का फीवर है तो आपको यहाँ पे टिक करना है, लेकिन मेरे पेशेंट को कुछ नहीं था तो मैंने नो लिखा है यहाँ पे। और अगर उसको कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे कि उसका नाम है, पेशेंट का नाम लिख दिया, क्या डिजीज़ थी उसको और उसका ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, ये हम इसमें मेंशन करेंगे। डज़ एनीवन हैव स्किन इस डिजीज़, अगर उसको कोई स्किन डिजीज़ है तो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, बट मेरे पेशेंट को कोई डिजीज़ नहीं थी तो मैंने यहाँ पर नील लिखा है, अगर कोई डिजीज़ नहीं तो आपको नील लिखना है। डज़ एनीवन हैव कफ मोर दैन 2 वीक्स, अगर उसको मतलब कफिंग हो रही है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, बट नहीं हो रहा तो नील लिखना है। डज एनीवन हैव अदर इलनेस, अगर उसको कोई अदर इलनेस है वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। हैज़ एनी वूमेन प्रेगनेंट, अगर कोई उसके मतलब फैमिली में प्रेगनेंट वूमेन है तो उस वहाँ पे आपको लिखना है, उसका नेम लिखना है, सारा कुछ यहाँ पे उसमें मेंशन करना है, अगर कोई उसके फैमिली में प्रेगनेंट वूमेन है। कोई प्रेगनेंट वूमेन नहीं है तो आपको नील लिखना है। हैव देयर बीन एनी बर्थ, मतलब आपको मतलब आपकी फैमिली में कोई भी आपका या बर्थ हुआ है, आपका डेथ हुआ है 1 साल के अंदर, तो आपको यहाँ पे लिखना है। हैव देयर बीन एनी मैरिज, आपको मतलब आपके फैमिली में अगर कोई मैरिज हुई है तो आपको यहाँ पे लिखना है। देयर एनी चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर हु हैव नॉट रिसीव्ड इम्यूनाइजेशन, मतलब अगर कोई 5 साल का बच्चा है उसने मतलब इम्यूनाइजेशन रिसीव किया है कि नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे लिखना है नो एनी चाइल्ड अवेलेबल फॉर वैक्सीनेशन, ठीक है, मतलब कोई चाइल्ड फैमिली में अवेलेबल नहीं है जिसको वैक्सीन ना हुआ हो।
यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, मतलब कोई भी अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर रही वूमेन तो आपको वहाँ पे लिखना है यस या नो। इंटेंडिंग और अंडरगो, मतलब वैसेक्टोमी इसकी हुई है कि नहीं है, आपको इसमें मेंशन करना है यस या नो। देयर इज़ एनी चाइल्ड, मतलब देयर इज़ एनी चाइल्ड 5 ईयर इन फैमिली हु शो साइन ऑफ माल न्यूट्रिशन, अगर कोई 5 साल से कम उसके फैमिली में कोई बच्चा है तो उसको इसमें से कोई साइन और सिम्टम दिख रहे कि नहीं, कासर को हो रहा है तो आपको वहाँ पे टिक करना है, कुछ भी अगर डिजीज़ है टिक करना, नहीं है तो नो लिख दीजिए। आपको यहाँ पे भी मतलब नील लिखना है, कोई भी पेशेंट नहीं है उसके। स्वैग ड्रेनेज बीइंग डिस्पोजल ऑफ हाइजीनिकली, मतलब वो कैसे अपने स्वैज को ड्रेनेज करते हैं, तो ड्रेन और सोक पिट, उसको मतलब सोक पिट में भी उसको यूज़ करते हैं, उसको ड्रेन करते हैं जो स्वैग जो जितना भी फैमिली से निकलता है। इफ़ रविश बीइंग डिस्पोज्ड हाइजीनिकली, मतलब वो बर्निंग से उसको ख़त्म कर देते हैं। देयर इज स्क्रेटा बीइंग डिस्पोज्ड हाइजीनिकली, आपको यस लिखना है और आपको रिमार्क में लिखना है, मतलब आप उसमें ऐड कर सकते हो डिस्पोजल आर वेस्ट मटेरियल गारबेज एंड वेल प्रॉपरली, मतलब वहाँ का जो वेस्टेज मटेरियल है वो प्रॉपर वहाँ पे ड्रेन हो रहा है, ठीक है, हाइजीन को वहाँ पे मेंटेन रखा जा रहा है। आर द कैटल एंड पोल्ट्री हाउस हाइजीनिकली, पोल्ट्री हाउस हाइजीनिकली यस और नो, आपको यस और नो लिखना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर रीज़न दे देना बिकॉज दे आर नो पोल्ट्री हाउस। नेक्स्ट है टू मेंटेन द गुड ऑर्डर, यस मतलब गुड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है तो आपको यस लिखना है। देयर वाज वेल क्लोरिनेटेड, नो बिकॉज देयर आर एनी वेल लिखना है। वेदर हाउस कीप्ड क्लीन, मतलब वो अपने हाउस को क्लीन रखता है कि नहीं रखता है। व्हेन द हाउस लास्ट स्प्रेड, यस देयर इज़ एनी ब्रीडिंग प्लेस ऑफ इंसेक्ट ऑफ रोडेंट, मतलब वहाँ पे कोई भी इंसेक्ट रोडेंट नहीं है तो आपको नो लिखना है। देयर आर एनी स्ट्रेजिड डॉग्स इन विसिनिटी, मतलब आप जहाँ पे रह रहे हो उस एरिया में डॉग हैं कि नहीं है, अगर हैं तो कितने नंबरिंग में हैं। इन एनी फॉल वेयर डू यू गेट ट्रीटमेंट, मतलब कोई भी कंडीशन उसकी अगर कोई भी इसको डिजीज कंडीशन हो रही है वो ट्रीटमेंट लेता है कि नहीं लेता है। हॉस्पिटल मतलब कहाँ पे लेता है, हेल्थ सेंटर प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेता है कि सब सेंटर पे लेता है कि प्राइमरी नर्सिंग होम से लेता है। इफ़ ऑफिशियली हेल्थ सर्विसेज एडिक्वेट, आपको यस लिखना है। तो ये हमारा था फैमिली फोल्डर का पैटर्न और इसको कैसे फिल करते हैं, आपने पैटर्न देख लिया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Subscribe for more content.